नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी, जिसे कि सेमोलिना भी कहते हैं। इसके लिए मैंने 4-5 इलायची के दाने लिए हैं, जिसे मैंने छील लिया है, और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वही लें। और मैंने एक कटोरी सूजी लिया है, और सेम कटोरी से मैंने ये आधा कटोरी चीनी लिया है, और ये एक जो कटोरी से आप सूजी लेते हैं उसी कटोरी से हमें दूध भी लेना है। ये 3 कटोरी दूध लेना है, जितना सूजी है हमारा उतना हम 3 कटोरी दूध लेंगे। और घी लिया है, और आइए अब बनाना शुरू करते हैं। हमारी कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। और हमें ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है। अब हमारी इसमें किशमिश भी जाएगी। देखिए, ये अब सुनहरा हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसी में 1 चम्मच घी और डालेंगे, और इसी में हमें ये सूजी को भी भून लेना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें, और लाइक और शेयर भी करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसे हमें मीडियम फ्लेम में ही भूनना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो सूजी हमारी जल जाएगी। इसे हमें पूरा सुनहरा होने तक भूनना है, जब तक कि इसका कलर लाल ना हो जाए। ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, यकीन मानिए, और एक बार खाने के बाद आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। जब सूजी हमारा सुनहरा होने लगे तो हम फ्लेम को हमें एकदम लो कर देना है, मीडियम नहीं रखना है, नहीं तो सूजी जल्दी जल्दी ही लाल से होकर फिर जलने लग जाएगी। ये देखिए, हमारी सूजी अब अपने रंग में आ रही है, ये सुनहरी हो रही है, और इसे भी हमें थोड़ा सा और भूनना है दोस्तों। देखिए, हमारे सूजी अब लाल हो चुकी है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी दे करके भी देने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक और भूनना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए चीनी के दाने इसमें दिख रहे हैं, इसे हमें थोड़ा सा और भूनना है। और फ्रेंड्स, ये ऐसे भी खाने में, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खाने में टेस्टी लगती है। देखिए दोस्तों, अब हमें 2 मिनट हो चुके हैं, और हमारी सूजी भी अच्छी तरह से लाल हो चुकी है, और चीनी भी अब इसमें पिघलना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पर अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा मेजरमेंट है, ये गया हमारा 1 कटोरी, और फ्लेम को हमें लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। ये 2 और ये अब 3, बस इतना ही दूध डालना है हमें, और इलायची के दाने भी अब इसमें जाएंगे, और ये सभी हमें लो फ्लेम में ही करना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है। दोस्तों, आप हमें मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। देखिए, हमारी सूजी में अब उबाल आ रहा है, और इसे हमें ऐसे ही चलाते रहना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, हमें इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा।
ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। जब भी कुछ मीठा खाने को जी करे तो ये झटपट हलवा बनके तैयार हो जाता है। और देखिए ये हमारा हलवा अब रेडी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनके तैयार है। अब आप इसे गर्मा गर्म परोसे। ये देखिए दोस्तों, हमारी सूजी बनकर रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म खाएँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।